लोग हैं ऐसी व्यवस्था में। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कराने के उद्देश्य से जीआरपी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 गेट नंबर 7 के सामने यात्री हॉल में मॉक ड्रिल के माध्यम से काले रंग के बैग में कुछ संदिग्ध होने की सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक रेलवे ब्रजेश सिंह व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा की मौजूदगी में जीआरपी उपनिरीक्षक उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कैंट पुलिस फायर ब्रिगेड बीडी स्क्वायर टीम 26 बटालियन पीएसी डायल 112 डॉग स्क्वाड के संयुक्त प्रयास से रेस्क्यू कर यात्रियों से शांति एवं संयम बनाने की अपील की गई। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरी तरह से एक मॉक ड्रिल था। इस पूरे मामले के तहत समय रहते मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तुओं को रेस्क्यू करना बताया गया। Is scheduled to depart from platform number 9 at 16. Minute per platform. Kramak Palanj Singh Ravana Homi. Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station. 03 Gorakhpur Manwadi. Intercity Station bound to Manwadi is scheduled to depart. यात्रियों का स्वागत करता है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05103 गोरखपुर इज ट्रेन नंबर 05103 गोरखपुर मनवाटी इंटरसिटी स्पेशल बाउंड टू मनवाटी इज शेड्यूल टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5 at 16 hours 20 minutes. Gorakhpur Junction Railway Station यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 02555 गोरखधाम। Gorakhpur Junction Railway Station यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 02555 गोरखधाम सुपर फास्ट स्पेशल गोंडा। वेलकम टू गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रेन मनवाटी इंटरसिटी स्टेशन बाउंड टू मनवाटी इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5 एट 16 hours 35 minutes. Say Ravana Hogi. Welcome to Gorakhpur Junction Railway Station. For the kind attention of passengers, train number 025. इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे ब्रजेश सिंह ने बताया, गणतंत्र दिवस को देखते हुए एक बैग लावारिस मिला था जिसके संबंध में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हमारी सारी जो टीमें ऐसी इमरजेंसी पीरियड में जो टीमें लगती हैं सारी टीमें आईं, डॉग स्क्वाड आया, BGDS टीम आई और बहुत ही सफलतापूर्वक जैसा कि आप लोगों ने देखा उन्होंने एक डिवाइस रिकवर की और उसको निष्क्रिय किया। ये पूरी टीम जो है इसी तरीके से लगातार 27 जनवरी तक लगातार सघन चेकिंग चलेगी प्लेटफॉर्म पे, सर्कुलेटिंग एरिया में RPF की टीम, GRP की टीम, हमारी जिला पुलिस की जो टीम है वो भी सारे लोग एक साथ सारी चेकिंग कर रहे हैं और ये चेकिंग बदस्तूर चलती रहेगी ताकि रेलवे पे जो भी यात्रा कर रहे हैं, जो भी यात्री हमारे हैं, सुगम तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न करें। ये लगातार प्रयास जारी है। GRP पुलिस, RPF की टीम सभी की सेवा में, सभी यात्रियों की सेवा में तत्पर रहेगी। साथ ही महिला हेल्प डेस्क लगातार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जो भी उनकी समस्या है उनके समाधान के लिए लगातार
24 घंटे तत्पर रहेगी। गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? गणतंत्र दिवस को देखते हुए जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस पर लगातार ड्यूटियाँ रहेंगी, हर पे हमारे दो दो कांस्टेबल्स रहेंगे, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया जो हमारी है सभी सब इंस्पेक्टर साथ दो दो कांस्टेबल लगातार मोबाइल रहेंगे, साथ ही जो भी अप एंड डाउन की ट्रेनें हैं उसके अंदर लगातार चेकिंग चल